हाई एवरी वन, वेलकम टू हेडवे लाइफ स्टाइल विद स्नेहा सिंह। आई एम बैक एक और व्लॉग के साथ। तो आप सभी को बता दूँ कि मैं अपने लास्ट व्लॉग में मेरे देखा था कि मैं मुंबई आई हुई थी अपने पेरेंट्स के पास, एंड मैं यहाँ पर कुछ दिन के लिए हूँ। मेरे कुछ और भी काम थे, इसके लिए मैं वसई जहाँ पर मेरे पेरेंट्स रहते हैं उसके आसपास की कुछ जगह कवर करने का मैंने सोचा, और इसके लिए मैं आपको आज लेकर आई हूँ तुंगारेश्वर। अब तुंगारेश्वर कई लोगों को, जो मुंबई के लोग हैं उनको इस जगह के बारे में पता होगा। ये जगह काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस है। पहली चीज़ है कि ये ऑब्वियसली तुंगारेश्वर मंदिर के लिए फेमस है। यहाँ पर शिवजी का मंदिर है जिसे हम तुंगारेश्वर मंदिर कहते हैं, तो उस मंदिर के लिए ये फेमस है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसकी लोकेशन जो है उसके लिए फेमस है। ये तुंगारेश्वर के जंगलों के बीच में आता है। तुंगारेश्वर पांच पहाड़ी एक साथ, उनको हम तुंगारेश्वर माउंटेन्स बोलते हैं, तुंगारेश्वर माउंटेन रेंज बोलते हैं। उसी के प्लेटू रीजन पे ऊपर की तरफ ये मंदिर स्थित है। जो गेट मैंने स्टार्टिंग में रिकॉर्ड किया था उस गेट से लगभग 4 किलोमीटर जब आप आगे बढ़ेंगे इन जंगलों के अंदर टूवर्ड्स यू नो अपवर्ड्स जब आप जाएंगे, तो ये जो प्लेटू रीजन के पास ये तुंगारेश्वर टेम्पल आता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए आते हैं। और मैं बता दूँ, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, जो ये जंगल देख रहे हैं, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट का हिस्सा है। तो आप साल में कभी भी इस जंगल में आएंगे, आपको इस जंगल में हरियाली ही मिलेगी। जैसे कि अभी फेब का महीना चल रहा है, आप देख सकते हैं कि मैं फेब में यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर वाटरफॉल्स इतने एक्टिव नहीं है इस वक्त, बारिश के समय यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वाटरफॉल होता है। वाटरफॉल दिखेंगे आपको, इनफैक्ट क्लाउड बर्स्ट भी हो जाता है काफ़ी टाइम काफ़ी डेंजरस हो जाता है। बट जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त सूखा है, यहाँ पर पानी नहीं है, बहुत ही कम पानी हमें दिखाई दे रहा था। झरने तो बह ही नहीं रहे थे, पर जो रिवर है, जो पतली रिवर बहती है, वो भी मतलब एकदम हार्डली कुछ पानी था उसमें। लेकिन अब इधर देख सकते हैं जंगल एकदम एवरग्रीन है, तो बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इसके लिए एक बहुत ही फेमस ट्रैकिंग स्पॉट भी है, यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं ट्रैक करने। हम जब यहाँ पर पहुँचे तो हमें ये पता चला कि कोविड की वजह से बंद है। हाउएवर हमने स्पेशल परमिशन ली और हम इस मंदिर में फिर हमने एंट्री की। और बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो यू ऑल, मुझे दिखाना था ये मंदिर। मैंने काफ़ी टाइम बचपन से विजिट किया है और मुझे ये बहुत ही अच्छी लगती है जगह, इसके लिए मैंने सोचा आपको भी मैं यहाँ पर विजिट करवाना चाहूँगी। यहाँ पर प्यारे बंदर हैं। ये लोग एक्साइट होके आए, कोई तो आया हमको देखने। नया बच्चा दूर रहे, छोटा सा बाप। क्या? हाँ तो? एक बंदर छोड़ दिया ना इधर, इनको सबको तेज कर देगा एकदम, सिखा देगा पूरा। ना ना ना, बिल्कुल नहीं, सबको टैक्टिक्स समझाएगा। ऐसे कूदा, ऐसे चिड़ुक कंधे में बैठ के चश्मा लेके गया। हर्ष के हर्ष मेरे को देखे तो सोचे मैंने थप्पड़ भी मारा, चश्मा देख। तो यही वो मंदिर है जिसकी मैं बात कर रही थी, जो कि शिवजी का मंदिर है। और ये मंदिर सुबह 5 बजे से ओपन हो जाता है और शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। कोविड के समय कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसके वजह से शायद ये मंदिर बंद है। इस साल महाशिवरात्रि पे ये मंदिर ओपन होगा या नहीं, अभी तो उसकी कोई अपडेट नहीं है, पर हर साल महाशिवरात्रि के समय यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि तुंगारेश्वर जो ये पहाड़ियाँ हैं उनको उनका नाम कैसे मिला। तो एक पुरानी कथा है जिसके हिसाब से कहा जाता है कि जो परशुराम जी थे उन्होंने यहाँ पर तुंगा नाम के एक राक्षस को मारा था,
और उन्हीं के वजह से ये मंदिर बनाया गया था, उन्हीं को डेडिकेट करते हुए उनके ऑनर में ये मंदिर बनाया गया था। और लॉर्ड परशुरामा ने यहाँ पर मेडिटेट किया था, इसके लिए मंदिर की मान्यता काफ़ी ज़्यादा है। और कहते हैं कि ये जो मंदिर आता है ये तो वसई में आता है, लेकिन आदि शंकराचार्य ने भी इस जगह के पास एक जगह पर मेडिटेट किया था, जिसको उस समय शूपरक नाम से जाना जाता था और जिसको आज सोपारा कहा जाता है, जो कि नाला सोपारा के नाम से भी आज जाना जाता है। तो यहाँ पर शिवजी का काल भैरव रूप का मंदिर भी है और साथ ही साथ देवी पार्वती के एक रूप का मंदिर भी है, जिनको कि जगमाता टेंपल भी कहा जाता है, वो भी है। उसकी भी वीडियो मैंने आपके लिए इसमें रिकॉर्ड की है, इस वीडियो में आप देखेंगे। एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक खोडियार माता का मंदिर भी है। खोडियार माता माता जी की जो सवारी है वो मगरमच्छ कही जाती है, तो मगरमच्छ की सवारी पर भी खोडियार माता का मतलब उस तरह से पूरा मंदिर बनाया गया है। और यहाँ पर सदानंद बाबा का आश्रम भी है, तो सदानंद बाबा का आश्रम तुंगारेश्वर के मंदिर से थोड़े और ऊपर जाकर आता है, तो वो हम कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि वो एकदम स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड था, हमें बिल्कुल जाने नहीं मिला वहाँ पर कोविड के समय। और एक राम कुंड है, ये कुंड मैन मेड है पर ये राम कुंड भी है यहाँ पर, जहाँ से का पानी वानी बहता है। और ये जो मैं जगह आपको दिखा रही हूँ, मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर तेंदुए की साइटिंग भी बहुत होती है, क्योंकि ये जंगल है, यहाँ पर तेंदुए बहुत सारे हैं। और लेकिन वो मॉर्निंग में इतना दिखाई नहीं देते हैं, और लेकिन शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे जो तेंदुए की साइटिंग यहाँ पर काफ़ी कॉमन मानी जाती है, काफ़ी कॉमन। अब हम जो शिवजी का नीचे मंदिर है उसके थोड़े और ऊपर की तरफ चलने लगे, जहाँ पर खोडियार माता का मंदिर अभी आने वाला है, तो मैं आपको उसके भी दर्शन करवाऊँगी। तो खोडियार माता के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े जगत माता मंदिर, जो कि पार्वती जी का ही एक रूप है। तो वो एकदम ऊपर जाके मतलब तुंगारेश्वर का जो मंदिर का प्रमाइसेस हैं उसके सबसे ऊपर जो है वो जगत माता मंदिर है। तो यहाँ पर हम देवी पार्वती के आखिरी दर्शन करने के लिए पहुँच गए। Oh my god. He's not happy. Don't, he will scratch you. He might just scratch you. No, no, don't. Just leave it.
ये जो आप पिलर देख रहे हैं ये पूरा दियो से भरा होता है जब यहाँ पर पूजा होती है, बहुत ही सुंदर लगता है ये। इसके बाद हम दूसरी जगह के लिए निकल पड़े, पर रास्ते में एक बहुत ही बढ़िया जगह आ रही थी जो कि थी भजनलाल डेयरी, तो आपको ले चलते हैं वहाँ पर। तो ये भजनलाल डेयरी के विजुअल्स हैं, ये यहाँ का तबेला है, ऐसे कई सारे तबेले हैं भजनलाल डेयरी के, लेकिन यहाँ पर यू नो बहुत ही क्यूट काफ्स थे तो मैं उनको रिकॉर्ड करने लगी थी। और अब हम चलते हैं जिस काम के लिए हम आए थे जो कि है पेट पूजा। भजनलाल डेयरी में इतने सारे वैरायटी ऑफ लस्सी, श्रीखंड, दूध के बनी हुई दूसरी चीज़ें, मिठाइयाँ, और प्लस यहाँ पर नर्सरी भी है। जो आप प्लांट्स देख रहे हैं वो सब यू नो नर्सरी का एक हिस्सा है, तो ये भजनलाल नर्सरी भी है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से प्लांट्स, सीड्स, यू नो ये सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। सो बहुत ही अच्छी वैरायटी है इनके पास प्लांट्स की, और बहुत ही हेल्दी प्लांट्स दिख रहे थे, बिकॉज मुझे भी बहुत शौक है गार्डनिंग का और प्लांट्स वगैरह ग्रो करने का, तो मुझे समझ आ रहा था कि इनकी जो ये नर्सरी है वो बहुत ही अच्छी है। और ये वो एरिया है जहाँ से आप सब कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। आपको पहले कूपन लेना होता है और आपको ऑर्डर प्लेस करना होता है, और हर चीज़ का अलग अलग काउंटर। तो चलिए हम इन्जॉय करते हैं अपनी लस्सी, एंड आप लोग प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।